नमस्कार, मुंबई के दादर इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत महाराष्ट्र के ही खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिसे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद मुंबई मराठी संघ हो, मुंबई प्रेस क्लब हो या फिर और कई सारे संगठनाएं हो, उन्होंने इस वारदात की निंदा की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अब तक जहां पुलिस गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी, तो वहीं अब पुलिस ने हत्या का भी मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है, इस रिपोर्ट को देखिए। रत्नागिरी के एक अखबार में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समर्थन वाले बैनर पर गंभीर अपराध के आरोपी का फोटो, ये खबर महानगरी टाइम्स में 6 फरवरी की सुबह छपी और दोपहर में ही उस फोटो वाले व्यक्ति ने खबर छापने वाले पत्रकार शशिकांत वारिसे के स्कूटर को टक्कर मारकर मौत की घाट उतार दिया। हादसे के बाद से शशिकांत वारिसे के परिवार में मातम छाया है और परिवार ने हादसे के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। पिताजी का जिसने ये किया है उसे कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। पहले तो पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन परिवार के आरोप के बाद हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पंढरीनाथ आंबेडकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को राजापुर न्यायालय में हाजिर किया गया था। अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत दी है और घटना से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। पत्रकार शशिकांत वारिसे जिले में प्रस्तावित रिफाइनरी के खिलाफ भी मुखर थे, जबकि आरोपी पंढरीनाथ आंबेडकर प्रॉपर्टी डीलर और रिफाइनरी का समर्थक है। यही वजह है कि 6 फरवरी को रत्नागिरी के राजापुर में हुई इस हत्या की गूंज मुंबई तक पहुंच गई है। पत्रकार की दिन दहाड़े हुई हत्या की निंदा करते हुए मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं होता था और दिन दहाड़े हत्या, वो भी एक पत्रकार की, इसलिए कि वो खबर छाप रहा किसी के खिलाफ, ये ऐसा कभी नहीं होता था। तो ये हमने तो इसका निषेध किया ही है, ये आगे होना नहीं चाहिए। अगर आगे होगा तो पत्रकारों को आंदोलन करना होगा। विपक्ष के नेता अजित पवार ने भी मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए। तो अपघात से अगर एक्सीडेंट है तो सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया है तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। पहली नजर में पत्रकार की हत्या का ये मामला एक खबर विशेष से जुड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से रत्नागिरी जिले में प्रस्तावित रिफाइनरी को लेकर विरोध और समर्थन का संघर्ष जारी है, उसे देखते हुए ये आगे चलकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़े के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना किसकी है, इसे लेकर चुनाव आयोग में जहां पर मामले की सुनवाई चल रही है, तो वहीं बुधवार के दिन उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अपील की है कि फिलहाल चुनाव आयोग इस मामले में अपना फैसला ना सुनाए। दरअसल 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में 16 ऐसे विधायक हैं जिसकी अयोग्यता को लेकर सुनवाई होनी है और उद्धव ठाकरे की अपील है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद ही चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाए। आखिर उन्होंने ये अपील क्यों की है, इस रिपोर्ट में समझिए। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से अपील की कि असली शिवसेना और धनुष बाण को लेकर चुनाव आयोग अपना फैसला फिलहाल नहीं सुनाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से चुनाव आयोग में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई चल रही है और 30 जनवरी को दोनों पक्षों ने लिखित में अपनी दलील चुनाव आयोग को सौंपी है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होगी, तो चुनाव आयोग अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सुनाए। वो भगोड़े हैं, वो उन्होंने भाग जाने के बाद हमने तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए, उसके ऊपर फैसला अभी उम्मीद है, अपेक्षा है कि इस महीने में हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी है, उसका अगर आप अभ्यास करें तो ये डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है, समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा,
जिसको नॉलिफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे। मुंबई के अंधेरी पूर्व में हुए उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज कर दोनों पक्षों को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया था, लेकिन चुनाव आयोग में लगातार दोनों पक्षों की ओर से खुद को असली शिवसेना बताए जाने की दलील दी जा रही है। अब 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। इन सब पर शिवसेना की व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप है और इनके विधायकी को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे की अपील पर सीएम एकनाथ शिंदे तंज कसते नजर आए। हे प्रकरण आहे, न्याय प्रविष्ट आहे, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे, त्यामुळे आम्ही न्याय प्रिय लोक आहोत। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम न्याय प्रिय लोग हैं, अदालत पर हमारा विश्वास है, लोकतंत्र के नियमों का हम पालन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लिए अंतिम होगा। अगर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन करेंगे, सलाह देंगे, तो उनके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। कई लोग सुप्रीम कोर्टाला जर मार्गदर्शन करा लागले, सल्ले द्यायला लागले, तर मी त्याच्यावर काय बोलू शकतो। शिवसेना पार्टी का क्या भविष्य होगा ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में ही तय किया जाएगा, और इसलिए शिवसेना के जो दोनों गुट हैं उनकी अलग अलग मांगें सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे खेमे को यह भरोसा है कि चुनाव आयोग में उनकी दलील मजबूत है और चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में आएगा, तो वहीं उद्धव ठाकरे खेमे को यह भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे और ये सरकार गिर जाएगी। और ऐसे में वो ये अपील कर रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, चुनाव आयोग अपना फैसला ना सुनाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट के जरिए 11 देशों के कई लोगों को करोड़ों रुपए की चपट लगाने वाली गैंग को नोएडा पुलिस ने पकड़ा है। किस तरह से यह ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स के जरिए इन लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रॉड से सचेत रहने की चेतावनी देती महादेवा बुक ऑनलाइन गेमिंग की इस वेबसाइट ने लोगों से 400 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। ऑनलाइन बेटिंग की इस वेबसाइट का संचालन नोएडा के सेक्टर 108 की इसी बिल्डिंग से हो रहा था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 70,000 रुपए प्रति महीने का ये पूरा जो किराया है वो किराए पर लिया गया इस बिल्डिंग को। पहली जो मंजिल है यहाँ पर ये लोग परमानेंट रहते थे, और दूसरी बिल्डिंग पर ये लोग खाना बनाते थे, और तीसरी जो मंजिल है उसमें इनका अपना पूरा ऑनलाइन फ्रॉड करने का एक सिस्टम पूरा लगा हुआ था। ज़्यादातर इस जो बिल्डिंग है इसमें हलचल नहीं होती थी ताकि आसपास के लोगों को ये न लगे कि यहाँ पर कोई रह रहा है। इस मामले में पुलिस अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस फ्रॉड का दुबई में बैठा मास्टरमाइंड सौरभ अभी भी फरार है। दुबई में एक सौरभ चंद्राकर करके शख्स है जो इस ऐप को जो है वो इस वेबसाइट को जो है वो ओनर करता है, जो बताया जाता है कि कंट्रोलर वही है। और हमारे यहाँ एक एब्सकॉन्डिंग पर्सन है सचिन, वो बेसिकली जो है उसके टच में था। तो इसमें दो लड़के भी हमने ऐसे पकड़े थे जो दुबई गए थे, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह की 20-22 दिन की, और फिर वहाँ से वापस आकर के इसको काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस तो हैं। अब वो कनेक्शंस किस लेवल के हैं, क्या हैं, ये अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। दरअसल महादेवा बुक नाम की इस वेबसाइट में तीन पत्ती, T20 तीन पत्ती जैसे तमाम ऑनलाइन गेम आपको दिख रहे हैं, जिस पर बेट लगाने के लिए लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बेटिंग में लोगों को जितवाया जाता है, उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा पैसा लगाता है उसका रजिस्ट्रेशन फ्रीज करके उसके पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। इनसे जब पूछताछ की तो ये पता चला कि एक ये ऑनलाइन गेम है महादेवा करके। इस गेम में जो है वो लोगों को इनकरेज करते हैं बैटिंग कराने के लिए। पहले वो लोगों को जो है ये लालच देते हैं कि भाई आप खेलो और जीतोगे, लोग जीतते भी हैं। बाद में जब अमाउंट का स्टेक ज़्यादा हो जाता है तो फिर इनके पास एक ऑनलाइन कंट्रोलर है जो इनके पास रहता है, उससे कंट्रोल करके सामने वाले को जो है वो हरा देते हैं। अच्छा। और उसमें जो है वो काफ़ी अमाउंट इन्वॉल्व होता है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, जैसे भी लोग खेलते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी लोगों को ठगते थे। यही नहीं, पकड़े गए इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि बाकायदा इस फ्रॉड की ट्रेनिंग दुबई में इनको दी जाती थी। 11 देशों में फैले इस ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड कई महीनों से चल रहा था।
नोएडा से अरविंद उत्तम और पूजा आर्य के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद दिल्ली से जयपुर तक का जो सफर है वो आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। फिलहाल इस सफर को पूरा करने के लिए 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। अभी हम हैं देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। हरियाणा के सोहना से मुंबई तक 380 किलोमीटर की दूरी है और इसके पूरा होने के बाद 24 घंटे का सफर 12 घंटे में कर पाना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले खंड सोहना से दौसा का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी दूरी 225 किलोमीटर की है। जाम के झाम से दूर एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरती गाड़ी। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना से दौसा का हिस्सा है, जो जल्द ही आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है और इससे दिल्ली जयपुर की दूरी घटने वाली है। हमारे 246 किलोमीटर का स्ट्रेस तैयार है पूरी तरह से, जिसमें किलोमीटर 180 पे इंटरचेंज लगा हुआ है जो जयपुर के लिए आता है, और दिल्ली से दौसा सेक्शन 700 सेक्शन हमारा पूरा तैयार है। इस एक्सप्रेसवे पर छोटी कमर्शियल गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ी कमर्शियल गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा और निजी गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भर सकती हैं। 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे का फायदा लोग फिलहाल राजस्थान में दौसा तक उठा सकेंगे। ये पूरा एक्सप्रेसवे सोलर चार्जिंग वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो है ही, साथ में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं न हों। उसके लिए एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ इस तरीके की फेंसिंग की गई है, ताकि इस पर जानवरों की आवाजाही न हो पाए। जगह जगह एक्सप्रेसवे पर साइनेजेस भी लगे हैं, जिनमें जरूरत के टोल फ्री नंबर से लेकर अस्पताल, रेस्ट रूम और तमाम सर्विसेज की जानकारी दर्ज है। इंटरचेंज के जरिए कनेक्टिविटी का ख्याल भी रखा गया है, लेकिन इसमें दाखिल होने की एक कीमत होगी, जिसको लेकर टोल प्लाजा भी तैयार है। टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक बड़ा इंटरचेंज है, जो हरियाणा के शहरों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ कुंडली और मानेसर है तो दूसरी तरफ पलवल और तीसरी तरफ फरीदाबाद, यानी कनेक्टिविटी का भी पूरा ख्याल इस एक्सप्रेसवे पर रखा गया है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 तक होना है और इसको कई चरणों में खोलने की योजना है, लेकिन फिलहाल सोहना से दौसा का मार्ग खुल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद में आज कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद वकील और कोर्ट के स्टाफ ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर तेंदुआ अचानक आ गया और उसने वहां कई लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। हमला करने के बाद तेंदुआ एक कमरे के बाहर बैठ गया, इसके बाद लोगों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। तेंदुए के हमले से कई लोग लहूलुहान हो गए हैं, किसी के सिर से, किसी के हाथ से तो किसी के पैर से खून की धार बह रही है। चश्मदीदों ने बताया कि तेंदुआ वयस्क है और बेहद आक्रामक है। कोर्ट में मौजूद वकील अपनी सुरक्षा के लिए आसपास पड़े डंडे और बेल्ट आदि हाथों में लिए हुए हैं। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।